maximum gen is equal to 2x1 plus 3x2 subjected to x1 square plus x2 square is less than 20. x1 x2 is less than 8. ग्राफिकली सॉल्व करने का वही तरीका है जो अब तक दो बार पढ़ चुके हैं, एलपी पढ़ चुके हैं, उसके बाद आईपीपी पढ़ चुके हैं। आईपीपी में भी हम जो 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 रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, सबसे पहले उन रेस्ट्रिक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है, एक तो है एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर इज लेस देन 20 और दूसरी है एक्स वन एक्स टू इज लेस देन 8। इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पहले रीजन फाइंड आउट करो। पहला कंस्ट्रेंट क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इज इक्वल टू 20, इट्स अ सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 20, है ना, व्हिच इज अ सर्कल। विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस Under 20 लॉन्ग है, greater than 4, but less than 5। यहाँ भी एक बात, अगर x1 और x2 दोनों की डिग्री 2 हो, तो फिर ये देखिएगा कि दोनों के गुणांक बराबर हैं कि नहीं। अगर दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो सर्किल होगा पॉजिटिव। वो तो गुणांक बराबर होंगे, तो या तो दोनों में प्लस होंगे या दोनों में माइनस होंगे। अगर कोफिशिएंट्स दोनों के अलग अलग हैं, तो इलिप्स या हाइपरबोला में से भी एक होगा। बीच में पॉजिटिव साइन है तो इलिप्स होगा, बीच में नेगेटिव साइन है तो दोनों वेरिएबल में से किसी एक की डिग्री दो और दूसरे की एक हो, x1 स्क्वायर प्लस x2 या x2 स्क्वायर प्लस x1, अब दोनों की डिग्री दो नहीं है, इट्स ए पैराबोला। x1 x2 इज इक्वल टू, ये नहीं है कुछ भी जनरल कोनिक सेक्शन, ये जनरल कोनिक सेक्शन नहीं है। x1 x2 इज इक्वल टू 8, यहां से हम ये देख रहे हैं कि x2 इज इक्वल टू 8 / x1 आएगा। इसका मतलब अगर x1 0 होगा तो x2 इनफिनिटी हो गया और x2 0 होगा तो x1 इनफिनिटी हो गया ना, तो ये कर्व x एक्सिस को कहीं काटेगा ना, कर्व y एक्सिस को कहीं काटेगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, xy बराबर c स्क्वायर, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। और साथ ही साथ एक बात और, अगर x1 नेगेटिव रखोगे तो x2 भी नेगेटिव आएगा, देखो फिगर में देखो, और x1 पॉजिटिव रखोगे तो x2 भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये कर्व उन रीजन में बनेगा जहां x1 और x2 दोनों एक ही साइन के हो, और एक ही साइन का होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। x1 x2 इज इक्वल टू एक ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यही होता है x1 x2 बराबर माइनस के 4। इसका मतलब x1 और x2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, तो उस स्थिति में रिटर्न का बोला सेकंड और फोर्थ पार्ट बनाओ, पहले सर्कल बनाओ फिर रिटर्न का बोला बनाओ। यह सर जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 4 और दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है केवल, हालांकि बनेगा ये फर्स्ट एंड थर्ड दो जगह, कैसा, x1 पर भी इंफिनिटी और x2 पर भी इंफिनिटी, x1 को भी इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और x2 को भी इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे दूसरा अगर बनाना होता तो यहां बनता, लेकिन मुझे इससे मतलब ही ना है, हमें तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, कहा है ना x1 x2 और नॉन नेगेटिव। अब x1 x2 अगर नॉन नेगेटिव है तो कौन सा रीजन हुआ, रीजन देखिए जरा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन 20, इसमें ओरिजिन है क्या, यस सर है, इसका मतलब वो वाला रीजन जो ओरिजिन की तरफ हो, मतलब सर्कल के अंदर, ऐसे x1 x2 इज लेस देन 8, इसमें ओरिजिन है क्या, इसमें भी ओरिजिन है, 0 तो 8 से छोटा हुआ, दैट मींस इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ब्लैक बोर्ड दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक ऊपर और एक नीचे, हमें वो रीजन लेना है जिधर ओरिजिन हो, मींस दिस इज द रीजन।
ये पूरा रीजन आ गया जो दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है, जिसमें x1 x2 लेस देन 1 भी है और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज लेस देन 20. अब पांडा को कैसे सेक्शन सर्च आउट कर सर्कल के लिए, तो पांडा को कैसे सेक्शन क्या था इसका अंडर रूट 20 एंड 0. ये 0 और अंडर रूट 20 और ये पॉइंट होंगे दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्च आउट करते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और x1 x2 इज इक्वल टू 1. तो ऐसे नंबर बताओ जिन्हें गुणा करके 8 आ जाए, स्क्वायर करके जोड़ दे तो 20 आ जाए, 4 हो जाए, है ना. x1 बराबर 4, x2 बराबर 2 या x1 बराबर 2, x2 बराबर 4. बट ये पॉइंट आ गया 4 कॉमन 2, दूसरा पॉइंट आ गया 2 एंड 2. हालांकि आ सकते हैं दोनों के दोनों नेगेटिव ही, x1 x2 दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, तभी भी उनका प्रोडक्ट 1 ही आएगा और स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 20 16 ही आएगा. लेकिन हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पॉइंट लेने हैं तो नेगेटिव तरफ जाइए जाइए. दो पॉइंट मुझे मिल गए, एक तो 2 4 ये रहा जिसमें x कोऑर्डिनेट छोटा है और दूसरा ये जिसमें x कोऑर्डिनेट 4. अभी हमने वो रीजन फाइंड आउट किया है जहां पर x1 x2 लाइक करेंगे. अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है. पहुंची ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर, सबसे पहले जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उन रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर रीजन फाइंड आउट कर लो. रीजन फाइंड आउट करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर पहुंचे. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमम जेन इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू k मान लिया, k को मैक्सिमाइज कर रहा है. ये क्या है, इसे लाइन है ना, लाइन है. तो लाइन को ट्रेस करने के लिए तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आ गए, ले आओ x1 upon k by 2 plus x2 upon k by 3 is equal to 1. ये एक ऐसी लाइन है जो x1 पर k by 2 इंटरसेप्ट काट रही है और x2 पर k by 3. k by 2 बड़ा है k by 3 बड़ा है, k by 2 इसका मतलब है x1 पर बड़ा इंटरसेप्ट है और x2 पर छोटा. अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो k की कोई ऐसी वैल्यू रख लो जो दोनों का मल्टीपल हो, समझने के लिए जस्ट. अगर मैं k को 6 रख लूं थोड़ी देर के लिए तो कम से कम ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा. ये काम मैंने केवल इसलिए किया है कि मैं लाइन को सही सही लोकेट कर पाऊं. k की ऐसी वैल्यू रख ली जो दोनों का मल्टीपल है, 2 का भी और 3 का भी, लगे 6 रख ली जिससे कि लाइन को मैं सही सही ट्रेस कर पाऊं. दैट इज x1 पर मुझे बड़ा इंटरसेप्ट लेना है और x2 पर छोटा. इजंट मींस x1 पर बड़ा और x2 पर छोटा, एक मिनट ध्यान देना, ये x1 पर बड़ा और x2 पर छोटा है ऐसे ना, और k आपको मैक्सिमाइज करना है. k से मतलब इस लाइन की मूल बिंदु से दूरी. आपको यह देखना है कि हम इस लाइन को मूल बिंदु से ओरिजिन से मैक्सिमम दूरी पर कितनी दूर ले सकते हैं. जरा रीजन में मूव करो, क्या ओरिजिन से दूरी बढ़ती नहीं चली जा रही है. देखो ध्यान दो, जब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं तो क्या है ओरिजिन, क्योंकि लाइन तो ऐसी है ना यूं, जब मैं इसको आगे बढ़ाता चला जा रहा हूं तो ओरिजिन से दूरी बढ़ती चली जा रही है. मेरा क्वेश्चन ये है कि ओरिजिन से मैक्सिमम दूरी पर कब होगी. बढ़ाते जाओ अभी और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ, ओरिजिन से दूर शक्ति चली जा रही है. क्वेश्चन ये है कि ओरिजिन से दूर तब होगी जब 0 अंडर रूट 20 से गुजरेगी कि तब होगी जब 2 4 से गुजरेगी. 2 4 से जब 2 4 से गुजरेगी तब मैक्सिमम दूरी पर होगी, और इससे आगे अगर सरका दिया तो रीजन से बात चली गई. आपको तो रीजन के अंदर का पॉइंट सर्च आउट करना है. दैट इज रीजन के अंदर वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर k का मान मैक्सिमम होगा जब लाइन 2 4 से गुजरेगी. समझ पाए, क्योंकि ना ऐसे भी सोच सकते हैं
कि जब हम लाइन को यू चलाएंगे तो इस बार की क्या गारंटी कि लाइन यहीं से बाद में पास होगी, यहां से पहले पास हो सकती है? आप सोच सकते हो, देखो जब लाइन को यू चलाओगे तो यहां तो पहली पास होगी, और आगे चलाए तो दूरी बढ़ती चली गई ऑरेंज से, दूरी मैक्सिमम तब होगी जब लाइन पासेस फ्रॉम 2-4, और k को ही मैक्सिमाइज करना था, k से मतलब लाइन की ओरिजिन से दूरी। ऐसे करो, सुनो ध्यान दो, मैं इसको और ज्योमेट्री से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रही लाइन, ये रही लाइन, ये रही लाइन, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते चले गए। अब प्रश्न ये है कि ये मूल बिंदु से अधिकतम दूरी पर कब होगी? कब होगी? जब 2-4 से गुजरेगी। और वही बात आप कह रहे थे कि ओरिजिन से लो लीजिएगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर तो हर लाइन पे रहता जा सकता है, यही तो k है। लेकिन k का मान मैक्सिमम तब होगा व्हेन लाइन पासेस थ्रू 2-4, k विल बी मैक्सिमम। व्हेन लाइन 2x1 + 3x2 इज इक्वल टू k passes from 2-4, therefore maximum z is equal to, अभी search out करते हैं, कब x1 is equal to 2 पर और x2 is equal to 4। x1 तो 2, 4, 12, 4, 16 है, maximum z is equal to 6, this is equal to, see maximum z is equal to 100 x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 100 x1 माइनस x2 स्क्वायर सब्जेक्टिव टू x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 80 एंड x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 100। x1 x2 आर नॉन रीजन, रीजन बनाओ सबसे पहले। यहां तो दोनों के दोनों जो जो कंस्ट्रेंट्स है वो स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन है। x1 + x2 = 80, दैट इज x1 और x2 दोनों पर 80 इंगर्स है। 80 मींस 20 40 60 80 20 40 60 80, दोनों पर 80 इंगर्स है। दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। दूसरी बनाओ x1 पर 100, x1 पर और x2 पर 50, 20 40 60 50 ये है। दिस इज द सेकंड मैक्स। रीजन कौन सा है, पहले से आगे और दूसरे से पीछे? पहले से आगे ग्रेटर है और दूसरे से पीछे, पहले से आगे दूसरे से पीछे, ये हुआ इसमें पॉइंट सर्च करो कौन कौन से हैं। ये पॉइंट था 80 और 0, ये पॉइंट था 100 0 60 और 20 और ये पॉइंट है 60 और 20। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर पहुंचो। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 100 x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 100 x2 माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज कीजिए k, k को मैक्सिमाइज करना माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, x1 स्क्वायर माइनस 100 x1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 100 x2 इज इक्वल टू माइनस का k। ये x1 माइनस 10 का होल स्क्वायर नहीं 50 का, पहले का स्क्वायर दोनों के गुणनफल का डबल ये आ गया, प्लस x2 माइनस 50 का होल स्क्वायर 2500 ये और 2500 ये 5000 5000 माइनस, ये क्या है? एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर है 50 और रेडियस है व्हिच इज अ सर्किल, विद सेंटर 50 50
रेडियस, आर इतनी रेडियस एंड आउट 5000 फाइव थाउजेंड. मुझे के को मैक्सिमाइज करना है. अगर के बड़े से बड़ा होगा तो रेडियस छोटे से छोटी होगी. 5000 से घट ली तो हम लोग ले रहे हो. इसका मतलब के को मैक्सिमाइज करने का मतलब ये हुआ कि आपको रेडियस ऑफ द सर्कल को मिनिमाइज करना है. अगर के बड़ा होगा तो आर छोटा ना होगा. के जितना छोटा होगा आर उतना बड़ा होगा. और के जितना बड़ा देखो ना, के जितना छोटा होगा आर उतना बड़ा होगा. और के जितना बड़ा होगा आर उतना छोटा होगा. मुझे अगर के को मैक्सिमाइज करना है तो एक मीन्स आर को मिनिमाइज करना पड़ेगा. सर्पिल की रेडियस को मिनिमाइज करना है. कौन से सर्पिल की रेडियस को मिनिमाइज करना है? जिसका सेंटर 50-50 सेंटर ढूंढो. कहां है 40-50 गिरा और यहां तक था 60 यहां पे होगा. मींस ये रहा सर्किल. एक मिनट ध्यान दो. आपको 50-50 सेंटर मानकर सर्किल बनाते चले जाना है. ये बन गए सर्किल, ये बन गए सर्किल. अभी जो सर्किल मैंने बनाया है, क्या ये सर्किल इस फिजिबल रीजन का कोई पॉइंट टच कर रहा है? नहीं. तो अभी और बनाने पड़ेंगे. और बनाओ. अब कर गया टच. ये सबसे छोटी रेडियस का है. और अगर बड़ा करने लगे इसे तो तब कहां से मिलेगा? अगर रेडियस को मैक्सिमाइज करना होगा तो 0-100 चल होगा. और रेडियस को मिनिमाइज करना होगा तो छोटी से छोटी रेडियस तब होगी जब सर्किल 60-20 से गुजरेगा. और बड़ी से बड़ी रेडियस तब होगी जब सर्किल 100 और 0 से पास हो. द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी मिनिमम. It passes from six key point and then maximum j will be equal to, abhi search karte hain, x1 is equal to 6 key point or x2 is equal to 20 key point. Yehi hai. Ab yahan ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी और एक कंस्ट्रेंट भी नॉन लीनियर है. दूसरा कंस्ट्रेंट तो हालांकि लीनियर है, लेकिन अगर कोई एक भी कंस्ट्रेंट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर हो जाए तो प्रॉब्लम तो नॉन लीनियर बिकमिंग प्रॉब्लम. पहला कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट -x1² + x2 = 0. That is x1² = x2. This is just like x² = y. तो ये parabola होगा. x1 + x2 = 0, which is a line having intercept. दोनों बनाइए, parabola भी बनाइए x to x square और line भी बनाइए x1 + x2 = 0. x2 axis पर parabola passing through all the origin is covered vertex है. और line x1 पर भी दो intercept और x2 पर भी दो intercept. क्या greater than equal to 0? x1 - x1² + x2 = greater than equal to 0 में origin शामिल है? नहीं. लेकिन ओरिजिन के आधार पर तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिन तो इस पार्ट में भी है जो पैराबोला के अंदर है और ओरिजिन उस पार्ट में भी है जो पैराबोला के बाहर है. हालांकि हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल राइट हैंड साइड वाला पार्ट. तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट में पैराबोला के अंदर वाले पार्ट में भी देखिए ओरिजिन हो गया और पैराबोला के बाहर वाले पार्ट में भी ओरिजिन हो गया. ओरिजिन तो दोनों का हिस्सा हो गया. तो ओरिजिन के द्वारा हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम -x1² + x2 = 0 कौन से रीजंस को रिप्रेजेंट करेंगे.
कोई बात नहीं, कोई और कोई पॉइंट सर्च आउट कर लो, कोई भी पॉइंट। मान लिया आपने x टू एक्सिस का कोई पॉइंट ले लिया, ये ले लो जीरो टू, जीरो टू, क्या जीरो टू इसमें है? अगर x1 को 0 और x2 को 2 रख दें तो 0, 2 पॉइंट इसमें है, इसका मतलब कौन सा वाला रीजन हुआ? ये अगर by the way 0, 2 इसमें ना रहा होता, जैसे और सोचिए क्या 2, 0 पॉइंट इसमें है? 2, 0 पॉइंट x1 को 2 और x2 को 0, माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 को ग्रेटर देन 0 नहीं होता, इसका मतलब रीजन में 2 0 नहीं है जबकि 0 2 है, तो कौन सा वाला पार्ट जो हमने शेक किया है? अगर इसी में यहां पर ये प्लस लगा दो, इसे माइनस कर लो, तब ये नीचे वाला पार्ट। तो ये वो रीजन है जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें एक पॉइंट तो आ गया ये 0 2, और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये 0 0, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 भी ध्यान रखना है, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 भी, सॉरी 2 भी। तो ऐसे नंबर बताइए जिनको जोड़ने पे 2 आ जाए, दैट इज 1 1, x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 1। That is, ये पॉइंट आ गया दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस 1 1। ये तो अभी रीजन फाइंड आउट किया है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर पहुंचिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। मानिए आपको k को मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज? मिनिमाइज करना है। प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विच इज अ सर्कल विद सेंटर 2 1 एंड रेडियस वेरिएबल। ये तो वेरिएबल है एंड वेरिएबल रेडियस, इसका सेंटर 2 1 है। 2 1 टू वन से मतलब x1 इज इक्वल टू 2, तो ये रहा, यहां पर x1 इज इक्वल टू 2 ही तो है, और x2 इज इक्वल टू 1 ये रहा, ये पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 ही यहीं से हमने उठा लिया। हमें ये रहा सर्किल का सेंटर। और प्रश्न ये है, देखिए इसको ऐसे समझो कि 2 1 सेंटर मानकर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 1 है, 2 1 तो आएगा, 2-1 सेंटर मानकर आपको सर्कल्स बनाते चले जाना है, और वो मिनिमम रेडियस का सर्कल बनाना है जिसका कम से कम एक पॉइंट इस फीजिबल रीजन से पास हो, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। पर नहीं है जरा, ये देखिए 2-1 को सेंटर बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, के बदलता चला जा रहा है, आपको उस के से मतलब है, मिनिमम के से मतलब है जो कम से कम रेडियस का सर्कल बना दे। अगर बड़े से बड़ी रेडियस का रहा होता तो फिर वो 0 2 से पास होता, लेकिन चूंकि रेडियस को हमें मिनिमाइज करना है, तो रेडियस को मिनिमाइज करने के लिए कहां से पास होना चाहिए उस सर्किल को? 1 1 से। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वली पासेस फ्रॉम 1 1 x1 minus 1 का स्क्वायर प्लस x2 minus 2 का स्क्वायर सब्जेक्टेड टू 0 इज लेस देन x1 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन x2 इज लेस देन 1, x1 x2
एक्स वन का मान जीरो से बड़ा है लेकिन दो से छोटा है, सपोज कि ये दो है, और एक्स टू का मान वन से छोटा है। एक्स टू इज इक्वल टू वन, यही लाइन तो होगी एक्स वन एक्सिस के पैरेलल, दैट इज ये लाइन हो गई एक्स टू इज इक्वल टू वन, और ये लाइन हो गई ये वाली एक्स वन इज इक्वल टू। रीजन कौन सा? जीरो इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन टू, एक्स वन इज लेस देन टू मीन एक्स वन से पीछे एक्स टू से भी पीछे, ये रेक्टेंगुलर पार्ट फिजिबल रीजन। जितने पॉइंट दिखाई दिए हैं सारे पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट है जीरो जीरो, ये पॉइंट है टू जीरो, ये पॉइंट है टू वन, और ये पॉइंट है जीरो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मी ऑफ जेड इज इक्वल एक्स वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल सपोज कीजिए के, विच इज ए सर्कल जिसका सेंटर वन टू विच इज ए सर्किल विद सेंटर एंड वेरिएबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने का मतलब है कि मुझे मिनिमम रेडियस सर्च आउट करनी है ना, क्वेश्चन कि रेडियस ऑफ द सर्किल मिनिमम हो, किसको सेंटर मानकर, वन टू, जरा वन टू सेंटर बनाओ, वन टू कहाँ होगा, वन तो रहा ये और टू रहा ये, जरा इसको सेंटर मानकर सर्किल बनाने शुरू कर दो। और प्रश्न हमारा ये है कि मिनिमम रेडियस का सर्किल कौन सा होगा जो कम से कम फिजिबल रीजन से पास होगा। अभी हुआ फिजिबल रीजन से पास किया? अभी नहीं। और बढ़ाओ और बढ़ाओ, यही बता रहा हूं, इससे ज्यादा जाने पर तो रेडियस बढ़ती चली जाएगी, हमें तो रेडियस को मिनिमाइज करना है, तो कहां से पास होगी आएगी, पास फ्रॉम वन, दोनों का मिडिल पॉइंट आ गया ना जीरो वन इंटू वन का, एंड रेडियस विल बी मिनिमम व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन वन, अगर वो वन वन से पास हो जाए तो देन मिनिमम जेड इज इक्वल टू कितना होगा, आप राइट कर सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू वन पर एक्स टू इज इक्वल टू वन व्हिच इज वन। Minimize the discance of the origin from the convex region, bounded by the discance, bounded by the constraint this. तो अगर पूरे के पूरे feasible region में कहीं पर भी कोई point ले लें, तो उस point की origin से distance कितनी होगी? आपने suppose कीजिए कोई point ले लिया x1, x2 variable है ना अभी तक, तो उस point की अगर origin से distance निकालोगे तो x1 square plus x2 square नहीं होगी? Under root का x1 square plus x2 That is, आपको मिनिमाइज करना है किसको, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू, वो तो अंडरवुड को मिनिमाइज कर दो या इसको मिनिमाइज कर दो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, अगर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा। कहा तो है कि डिस्टेंस को मिनिमाइज करिए, मैं डिस्टेंस को नहीं कर रहा मिनिमाइज, मैं कर रहा हूं एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, तो डिस्टेंस इसका अंडर हो जाएगी सीधी सीधी। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये तो है कंस्ट्रेंट और ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जरा करो शुरू, पहले कंस्ट्रेंट बनाओ, लीनियर है दोनों, चार दो और दो चार, दो और दो चार, एक्स वन पर भी चार और एक्स टू पर भी चार, दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। X1 पर 5 by 2 10 मतलब यहां पर, और X2 पर 5 means यहां, दोनों ग्रेटर देन से मतलब दोनों ही ऑरिजिन से बाहर की तरफ, ये पूरा रीजन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो सारा का सारा रीजन जो दोनों की दोनों लाइनों से आगे है, ग्रेटर देन 0 ये रीजन,
ये कह रहे हैं कि आपने फिजिबल रीजन में कहीं पर भी पॉइंट ले लिया, मान लिया ये ले लिया पॉइंट, इसके ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, या पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं उसके ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, या पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं उसके ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो। इस पूरे के पूरे रीजन में वो कौन सा पॉइंट होगा जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम? अभी इतनी जल्दी नहीं पता चलता, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पता चलेगा। अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? मतलब वो सर्कल सर्च आउट करना है जिसका सेंटर तो है 0 0, सेंटर तो है 0 0, और 0 0 सेंटर मानकर मिनिमम रेडियस क्या होगी कि वो फीजिबल पॉइंट से, फीजिबल रीजन से एक पॉइंट कम से कम एक पॉइंट से पास हो। आपने 0 0 सेंटर मानकर सर्किल बनाने शुरू किए, ये लो अभी फिजिबल रीजन से तो नहीं मिला ना, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये देखिए, सर्किल की मिनिमम रेडियस उस समय निकल कर आएगी जब लाइन नंबर एक सर्किल के लिए टेंजेंट, और हाँ अगर लाइन नंबर टू टेंजेंट हो गई तो टू के टेंजेंट होने से पॉइंट फिजिबल रीजन में नहीं जाता, पॉइंट तो फिजिबल रीजन में तब जाएगा जब लाइन नंबर वन उसकी टेंजेंट, सर्किल की रेडियस उस समय मिनिमम होगी जब लाइन नंबर एक उसके लिए टेंजेंट होगी। मान लिया लाइन नंबर एक उसके लिए जहां पर भी टेंजेंट होती है इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। आपको ये बताना है कि अल्फा बीटा क्या होगी, द रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर 0 0 विल बी मिनिमम व्हेन लाइन, when line x1 plus x2 is equal to 4 is the tangent line, is the tangent to the circle, ki maan liya point ki wo point hai jahan par line number 1 circle ke liye tangent banti hai, aap point p par circle ke liye tangent likh lo, y minus y1 barabar dy by dx into x minus x1 jaise wo likha sakte hain point p, और उस टेंजेंट को कंपेयर कर लो इक्वेशन नंबर दो सॉरी वन से, इक्वेशन नंबर वन टेंजेंट लाइन आ रही है ना, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा बीटा का मान निकलेगा। सर्किल की टेंजेंट खींचते हैं अल्फा बीटा पॉइंट पर और वो टेंजेंट को इक्वेशन नंबर वन के साथ कंपेयर कर देंगे, चूंकि इक्वेशन नंबर वन ही तो वो टेंजेंट है, दोनों को कंपेयर करेंगे अल्फा बीटा का मान निकलेगा। करो इक्वेशन ऑफ सर्किल x1 square plus x2 square is equal to k, differential कर रहा हूँ 2x1 plus 2x2 dx2 upon dx1 dy by dx आता है ना, तो dy by dx आता है तो dx2 upon dx1 आएगा ना slope, तो dx2 upon dx1 is equal to minus x1 upon x2 स्लोप ऑफ दी टेंजेंट dx2 अपॉन dx1 किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर माइनस के अल्फा अपॉन, एंड दिस स्लोप शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि लाइन नंबर वन ही तो टेंजेंट है, बट लाइन वन इज द टेंजेंट एट p एंड द स्लोप ऑफ द लाइन 1 plus dx2 upon dx1 is equal to 0, so dx2 upon dx1 is equal to minus 1. Line 1 is minus 1. Dono slope pe equal kar lo, therefore, minus alpha upon beta is equal to minus 1, implies that alpha is equal to beta. Aur saath hi saath alpha beta point lie bhi to karega, kis pe? Isi line pe. Point P lies on line. अगर line पर lie करेगा तो alpha plus beta is equal to 4 ना, अगर solve किया जाए तो alpha का मान भी दो तो beta का मान भी दो, इसका मतलब point P के coordinate क्या आ गए,
पूरे रीजन में वो कौन सा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से मिनिमम है? 2 2। और ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 4 + 4 8, 8 का अंडर रूट 2 2।